So, today our topic is benzoin condensation, which is a topic of organic chemistry, and I will explain in a Hindi language. बेंजोइन कंडेंसेशन का मीनिंग क्या है ये एक रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन है ठीक है जो होती है किसके बिटवीन दो एल्डिहाइड ग्रुप्स के बिटवीन जब वो एक दूसरे से कपलिंग करेंगे एंड बनाएंगे अल्फा की कीटोन एंड किसके प्रेजेंस में बनाएंगे कैटालिस्ट कैटालिस्ट या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर हाइड्रोसाइकिल कम्पाउंड होगा सो so, इन्वॉल्व क्या हो रहे हैं दो एल डी यू जस्ट हैव टू नो कि बनाना क्या है हमने एंड इन्वॉल्व क्या क्या हो रहा है इसमें ठीक है की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको कि कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है एंड आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ जो कंडेंसेशन इसके साथ लगा है क्यों लगाया गया है क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन का मेन मोटिव होता है कि हमने कार्बन कार्बन में बॉन्ड क्रिएट करना होता है ठीक है तो उसके लिए हम कंडेंसेशन करवाते हैं जिससे क्या होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड जब जनरेट होंगे तो पॉलीमर्स बनते हैं एंड आवर मेन रिएक्शन इज़ कि ये कंपाउंड हमको गिवन है जिसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं बेंजेलडीहाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड एंड विच इज़ अ कैटालिस्ट तो वो बेंजोइन बनेगा दैट इज़ अ जनरल रिएक्शन एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म सो मैकेनिज्म जो है वो थ्री स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो सबसे पहले क्या होता है साइनाइड आयन इसमें लगेगा जिससे साइनोहाइड्रिन इफेक्ट क्रिएट होता है जो क्या करेगा पोलैरिटी को रिवर्स कर देगा मतलब जो डोनर है वो एक्सेप्टर का रोल प्ले करेगा जो एक्सेप्ट है वो डोनर का एंड आप अगर अच्छे से नजदीक से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स हैं वो कहाँ पर मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन पर जा रहे हैं एंड साइनाइड जो है वो कार्बन की पोजीशन पे आ रहा है अपना बॉन्ड अटैच करने के लिए सो so दैट वो इस कंपाउंड के साथ अटैच हो जाए पहले अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था लेकिन जब बॉन्ड्स की मूवमेंट हुई तो उसके पास थ्री हो गई ऊपर जो लाइन्स बनी हुई हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स थ्री हो गए एंड जो साइनाइड है उसने स्पेस बनाकर अपने आप को वहाँ पर अटैच कर लिया है सो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप एंड इसी का आगे प्रोसीड करते हुए आगे है कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एल्डिहाइड जो है उसका जो कार्बन है जब हम उससे डीप्रोटीनेशन कर देंगे डीप्रोटोनेशन होता है कि जब हम उसमें से हाइड्रोजन को निकाल देंगे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को निकाल देते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह था वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने लग जाएगा सो so, यहाँ पर आप देख सकते कि वाटर ऐड हुआ था जब ऐड हुआ तो वहाँ पर H2O हो गया एंड ओवच केस हो गया लेकिन हमने उसमें से क्या है ओवच रिमूव कर दिया सो अगेन ओवच पीछे रह गया है जिसको हम आगे सेकेंड स्टेप में लेके जाएंगे सो so, इतना ये जो है वो फर्स्ट स्टेप है देन हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे इतना आपको क्लियर हो गया है सो नेक्स्ट इज़ अ सेकेंड स्टेप जिसमें क्या बोला गया है कि हम अब स्ट्रोंग बेस को लगा सकते हैं उसके ऊपर क्योंकि वो डी प्रोटोनेट हो गया था एंड कार्बन एटम जो है वहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग बेस का अटैक करवा सकते हैं तो मैंने पिछले वाला ही जो है कंपाउंड वो लिया है जो हमने पीछे लिया था ठीक है एंड यहाँ पर मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगवाऊँगी जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा तो जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं तो बनता है वाटर ठीक है तो वही वाटर को हमने नीचे रिमूव भी कर दिया अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ठीक है वाटर है हमारे पास सब प्रोडक्ट में एंड ओ एच है तो वाटर तो, तो निकल गया पीछे बच गया ओ एच एंड साइनाइड बॉन्ड यहाँ पर मूव कर रहे हैं येलो कलर से आप देख रहे हो ठीक है तो जब बॉन्ड ने मूव किया तो जो ओ एच है उसमें साथ में बॉन्ड ऊपर आ गया है जो नीचे था ठीक है देन इसी को हम आगे थर्ड स्टेप में लेके जाएंगे थर्ड स्टेप में ये कंपाउंड अब कार्बो अनाइन कंपाउंड की तरह डोनेट किया गया है एंड इसको मैंने एल्डिहाइड के सेकेंड इक्विवेलेंट मतलब एल्डिहाइड का दूसरा फॉर्म है उसके साथ रिएक्ट करवा रही हूँ ठीक है सेकेंड एल्डिहाइड इक्विवेलेंट रिएक्ट विद कार्बोनाइन इस स्टेप में जो है एल्डिहाइड का सेकेंड इक्विवेलेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा एंड एलिमिनेशन होगी एक कैटालिस्ट की जिससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेंज़ोइन जो है वो बन जाएगा तो अगर आप नोटिस रहे हो बॉन्ड्स की जो मूवमेंट हो रही है एंड कार्बो अनाइन के पॉइंट पर अटैक हुआ दोनों प्रोडक्ट्स ज्वाइन हो गए देन इसी का ही नीचे जो है आइसोमर बना है आइसोमर से जब साइनाइड ग्रुप रिमूव हुआ तो बेंज़ोइन ग्रुप बन गया विच इज़ फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज़ अ लास्ट स्टेप सो आई होप आपको समझ आ गया है फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो हम उसे ऐपे पेज पर एंड लास्ट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन कि हम इस रिएक्शन को क्यों करवाते हैं एंड क्या इसका मेन मोटिव है दिस रिएक्शन यूज टू फाइंड एप्लीकेशन ऑफ बेंजोइन कंडेंसेशन इन पॉलीकेमिस्ट्री ऑब्वियस है कि पॉलीमर्स बनाने के लिए कंडेंसेशन करवाई जाती है तो ऑब्वियस है पॉलीकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही हम इसको करवाते हैं न्यू मोनोमर का जो है पॉलीमर्स या प्रोडक्शन देखने के लिए एंड द नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्ट जो बेंजोइन बनता है इसमें उसे क्या है हार्डनिंग करवाते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स की जो माइक्रो इमलजन के मेथड से बने होते हैं एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कि द रिएक्शन इज़ हेल्पफुल इन द सिंथेसिस ऑफ हैड्रोसाइकिल कंपाउंड हैड्रोसाइकली कंपाउंड अगर बनाने हैं तब भी बेंजोवइन कंडेशन करवाई जाती है एंड अगर एलिफेटिक फॉर्म भी एल्टीहाइट का क्रिएट करना चाहते हैं वो भी इस रिएक्शन से बन जाता है सो so, ओवरऑल हम देख सकते हैं कि उससे हम क्या क्या करवा सकते हैं कंडेंसेशन करवा सकते हैं न्यू मोनोमर की देन करवा सकते हैं हार्डनिंग करवा सकते हैं पोलिमर्स जो बन गए उनको हार्ड करवाना है एंड देन लास्ट जो है वो हैट्रोसाइकिल कंपाउंड एज वेल एज एलिफेटिकम्पाउंड भी हम इसे बना सकते हैं सो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा फायर असिस्टेंट पॉलीमर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ठीक है एंड अनदर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकाइनेटिक फिनिना सो